सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ शिखर चौधरी, आप देख रहे हैं डीआईवाई व्लॉगर। तो भाई टाइम हो गया सुबह के 10:54 और हम जा रहे हैं अपने नानी के घर से निकल रहे हैं। यहाँ से कुछ 120 किलोमीटर है हमारा मुक्तेश्वर, पर मुक्तेश्वर से पहले हम जाएंगे कैची धाम और नैनीताल वगैरह का सारा टूर आपको दिखाएंगे। और सुसाइड पॉइंट और छोटी छोटी जगह मैं आपको तभी ब्लॉग में बताता रहूँगा साथ में, और साथ में आपको दिखाता भी रहूँगा। चलो खुद भी देखते हैं और आपको भी इंजॉय कराते हैं, और जाके इंजॉय करो वीडियो को, पर लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारी ट्रिप का जो रोड मैप है वो है कुछ इस तरीके का। हमें जाना था हल्द्वानी से होते हुए हमारा सबसे पहला स्थान जो था नीम करोली बाबा आश्रम कैची धाम, जो था हमारे घर से 83 किलोमीटर सवे। उसके बाद हमें जाना था मुक्तेश्वर, जो कि था कैची धाम से 46 किलोमीटर अवे। देन हमें जाना था नैनीताल मॉल रोड, जो कि वापस आते हुए रास्ते पे था, जो कि था 51 किलोमीटर अवे। तो ये काफ़ी एक लंबा रूट है, पर ये वर्थ है घूमना, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग लोकेशंस आपको इसके बीच में मिलती हैं। और अगर आप नैनीताल जा रहे हो तो एक चीज़ मत भूलना, वहाँ पे मिलते हैं चटनी वाले भुने हुए भुट्टे, वो ज़रूर खाना, वो बहुत अमेजिंग होते हैं वहाँ के। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और दिलाते हैं आप लोगों को मज़ा। Follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. तो भाई अब हम आ गए नैनीताल वाले रास्ते पे, जो कि हमारा थोड़ा थोड़ा पहाड़ी एरिया है, कह लो अच्छा पेड़ वाला एरिया, ग्रीनरी एरिया स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे कि आपने पिछली वाली वीडियो में देखा होगा, पिछली क्लिपिंग्स में देखा होगा कि हमने वाला बोर्ड जो है पार कर लिया, जो कि आता है नैनीताल की, 70 किलोमीटर रह चुका है नैनीताल यहाँ से। तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं एरिया और फिर दिखाते हैं आपको आगे का क्या क्या मज़ा हम ले रहे हैं और क्या क्या मज़ा आता है। तो घूमते हैं खुद भी और घुमाते हैं आपको भी। अब हम आ गए हैं कैची धाम और सामने ही हमारे धाम है, लेकिन दिक्कत यह कि आगे लग रही है बहुत ज़्यादा जाम, तो हमने गाड़ी जो है यहीं पे लगा दी है। मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में, साइड में एक लोकेशन सी और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे हैं। लाइक में पीछे अगर आप देखो तो यहाँ झरना है प्रॉपर, मैं आपको दिखाता हूँ, प्रॉपर रिवर वगैरह फ्लो हो रही है और काफ़ी मतलब सुंदर है, देख सकते हैं पीछे। और यहाँ पे अंदर कैची धाम में फ़ोटो जो है खींचना मना है मेरे ख्याल से, इतना मुझे पता है। इसके बाद हम आगे जहाँ जाएंगे, हम जाएंगे मुक्तेश्वर, वहाँ भी मैं आपको पूरी पूरी वीडियो दिखाऊंगा। अभी आपको गाड़ी दिखाया था हमने कहाँ खड़ी कर दी है और रोड कहाँ पे है, और क्योंकि लग रहा है यहाँ पे बहुत बुरा जाम, क्योंकि आज है सैटरडे और या आज है शनिवार, तो हनुमान जी का दिन है और ये हनुमान जी का ही मंदिर है। इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बता दूंगा, क्या स्टोरी है, क्यों इसकी इतनी मान्यता है। और यहाँ मार्क ज़ुकरबर्ग जो है वो भी आए हुए हैं कैची धाम पर, वो मानते हैं यहाँ की मान्यता काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हमने गाड़ी साइड में लगा दी है, चलो अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो गाइस अगर आप भीमताल की तरफ से आते हो तो सामने से आप आओगे, और यहाँ सामने की तरफ आपका जो है कैची धाम है, तो नीचे की तरफ पूरी जाम लगा हुआ है क्योंकि आज शनिवार, मैंने आपको बताई दिया। और गाड़ी हमने खड़ी कर दी है यहाँ पे साइड में, वो खड़ी अपनी गाड़ी इस लीनियर के पीछे, और ये साइड में से एक सड़क कट रही है ऐसे ही, और पता नहीं यहाँ पे क्या बना हुआ है, मेरे ख्याल से यहाँ कोई जानवर वगैरह पालते होंगे मोर वगैरह को, क्योंकि इतने बड़े तक पिंजरे पिंजरे लगे हुए हैं, तब ऊपर से तो बंद है, पता नहीं क्या सीन है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो पलता ही होगा। और सामने अपने भाई लोग जा रहे हैं, और ये रही वो सड़क जो आती है हमारी भीमताल से, जिसे हम आए हैं, और उसके बाद देखते हो कितनी बुरी तरीके जाम जो है लगा हुआ है। तो अगर हम बात करें नीम करोली बाबा मंदिर उर्फ कैची धाम की, तो इसकी हिस्ट्री ज़्यादा पुरानी नहीं है। हुआ ऐसा कि 1958 में जो शख्स थे जिनका नाम था नीम करोली बाबा उर्फ बाबा लक्ष्मण दास, वो एक ट्रेन से जा रहे थे। ट्रेन से जाते टाइम उनको टीटी ने बिना टिकट के पकड़ लिया और उसके बाद ट्रेन से उतार दिया। जहाँ उतारा गया उस जगह का नाम था नीम करोली, और वो फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज भी एक प्लेस है। उसके बाद ट्रेन को जब दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की गई तो वो ट्रेन जो है स्टार्ट नहीं हुई। इसको देखने के बाद जो वहाँ के पैसेंजर्स थे उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, जिस साधु को आपने अभी उतार दिया है आप उसको दोबारा बिठा लो, तो क्या पता शायद ट्रेन चल जाए। तो जब उनको वापस बिठाया गया ट्रेन में, तो उन्होंने दो शर्तें रखी अपनी। पहली ये
की जो ये जगह थी नीब करोड़ी, इसके अंदर एक स्टेशन बनना चाहिए क्योंकि लोगों को काफ़ी दूर से आना पड़ता है, और दूसरी ये कि वो ट्रेन में तभी बैठेंगे अगर वो लोग इज्जत देंगे साधु संतों को। इसके बाद उन्होंने उनकी सारी शर्तें मानी और जैसे ही वो ट्रेन में वापस बैठे तो सरप्राइजिंगली दोबारा से ट्रेन जो है स्टार्ट हो गई, और वो लोग वहाँ से तब तक नहीं चले जब तक बाबा ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वो ट्रेन वहाँ से लेकर चले और वो सक्सेसफुली अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1958 में नीब करोली बाबा ने अपना घर जो है छोड़ दिया था, और कैंची धाम जो था वो बनाया गया था एक हनुमान मंदिर के लिए, मतलब एक हनुमान मंदिर था जिसको आज भी माना जाता है, वो भी अभी हनुमान मंदिर ही है। नीब करोली बाबा ने अपने आखिरी के दिन कैंची धाम में व्यतीत करे। तो इस मंदिर को खास बनाई थी एक और चीज़ जो कि है ये कि मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के CEO हैं, उन्होंने खुद एक बात रिवील की है कि स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के co-founder हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था मार्क जुकरबर्ग को नीम करोली बाबा मंदिर को विज़िट करने के लिए जब उनकी कंपनी लॉसेस में जा रही थी। और सरप्राइजिंगली जब उन्होंने इन बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया उसके बाद कंपनी के स्टॉक्स काफ़ी अच्छे से पेस पकड़ने लगे और उनकी कंपनी वापस ट्रैक पे आ गई। तो गाइस अगर आपको भी इस मंदिर में श्रद्धा है और आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो इस मंदिर में ज़रूर आइएगा, और यहाँ पर आने के बाद आपको एक मेंटल पीस और एक मेंटल वाइब जो है बहुत अच्छी देखने को और महसूस होने को मिलेगी। एक पॉजिटिव फीलिंग है इस मंदिर में जो कि और कहीं नहीं महसूस की जा सकती। तो ज़रूर आइएगा कैंची धाम और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस। तो ये है मंदिर का मेन गेट और ये हमारी वाली सड़क जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, यहाँ से थोड़ी सी सीढ़ियाँ सामने मंदिर है बिल्कुल वो ऑरेंज कलर का। और गाइस इस मंदिर की जो मेन चीज़ है ना वो है इसकी साफ़ सफाई, बहुत ज़्यादा साफ़ है मंदिर। जैसे नॉर्मली मंदिर जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रसाद गिर जाता है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जो नदी मैंने आपको कुछ दिखाई थी वो वहीं से फ्लो होती आ रही थी और काफ़ी सुंदर है। इसमें मछलियाँ वगैरह भी हैं क्योंकि लोग जो है खाना वाना खिला रहे हैं अंकल। I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, गाइज अब हम आ गए हैं मुक्तेश्वर के रास्ते पे और रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और अब तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर भी डाउन हो चुका है। जैसे देख सकते हो हम साइड में यहाँ पे रुके हुए हैं, काफ़ी यहाँ पे गाड़ी बड़ी लगी हुई एक दो, तो यहाँ पे हम रुके हुए हैं। टाइम हो रहा है इस टाइम मैं आपको बताता हूँ, टाइम हो रहा है 3:24 और टेम्परेचर हो चुका है 20°C जो कि काफ़ी कम हो चुका है। तो अभी थोड़ा मतलब ऐसा हो गया है कि आप अगर शर्ट में तो गर्मी नहीं लगेगी, पर हाँ ठंड भी लगेगी, पर आने वाले टाइम में को लग रहा है कि ठंड बढ़ जाएगी अभी थोड़ी देर में ही शाम होते होते। बाकी गाइस व्यूज़ इतने अच्छे हैं और मैं कहूँगा मस्ट विजिट है ये ट्रिप, अगर कोई आ रहा है नैनीताल तो ये ट्रिप ज़रूर करना। और कहीं भी कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, ई पास ईजिली अप्लाई हो रहा है, ना कोई कोविड रिपोर्ट चाहिए, आप ईजिली अपने फ्रेंड के साथ आ सकते हो या फैमिली के साथ आ सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। और गाइस काफ़ी ज़्यादा बहुत सुंदर है यहाँ पे एरिया। बाकी मुक्तेश्वर मैं आपको दिखाता हूँ, व्यूज़ तो आप देख ही रहोगे, सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। चलो थोड़े से सिनेमैटिक्स लेते हैं और एंजॉय करना यार। Speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the
जगह अभी हम हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर मुक्तेश्वर। और यार यहाँ का क्या व्यू है, इस टाइम हमें 2000 मीटर अबव सी लेवल, और आप देख सकते हो यार व्यू, मतलब खाई, प्रॉपर खाई है यार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है, मोस्ट इन्जॉयबल व्यू। तो गाइस मुक्तेश्वर मंदिर के अंदर जाने के दो रास्ते हैं, एक पहले और एक बाद में, हम बाद में वाले रास्ते जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा ट्रैक करके जाना पड़ेगा, थोड़ी स्टेयर्स वगैरह आपको यहाँ मिलेंगी, तो हम भी थोड़ा ट्रैक व्रैक करके जा रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं। बाकी अनटच्ड प्लेस है, ज़्यादा लोग आते हैं नहीं मुक्तेश्वर पर, अब तो काफ़ी ज़्यादा। मेरे को यहाँ पर यूपी 14 की तो बहुत सारी गाड़ियाँ, गाज़ियाबाद की बहुत गाड़ियाँ मेरे को यहाँ दिखाई दी मुक्तेश्वर में। और अच्छी जगह यार कुल मिला के, ठंडक भी काफ़ी है। काफी स्टीप है यार, तो गाइस ये आ गई मंदिर की एंट्रेंस, और यहाँ पे शूज वगैरह, जय भोले बाबा की। तो इसी तरह भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए हमने मंदिर की तरफ कूच किया। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मंदिर हफ्ते के सातों दिन खुलता है, सुबह 5 बजे से शाम को 7:30 बजे तक। और ये मंदिर काफ़ी हाइट पर बना हुआ है, ये 2312 मीटर हाइट पर बना हुआ है, और ये शिव जी का टेम्पल है, और ये 350 साल पुराना है। और ये मान्यता है कि ये पांडवाज ने बनाया था, जैसे कि आप खुद ही देख सकते हो, ये 350 साल पुरानी लकड़ी इसके अंदर आपको दिखाई देगी। काफ़ी सुंदर ये जो हमारा मंदिर है दिखाई देता है। और यहाँ से आप हिमालय के पहाड़, जो उसके अंदर कुछ पहाड़ हैं जो कि है नंदा कोट, नंदा घुंटी, त्रिशूल, नंदा देवी, जो कि हमारी सेकंड हाईएस्ट पीक है इंडिया की, उसे आप देख सकते हो, और बड़े यहाँ की सीनरिक ब्यूटी का एंजॉय कर सकते हो। अगर हम दूसरी तरफ आएँ तो ये मान्यता मानी गई है कि शिव जी ने यहाँ पर एक असुर का वध किया था, जिससे उसको मुक्ति प्राप्त हुई थी। तो ये मंदिर काफ़ी अपने आप हिस्टोरिक वैल्यू जो है रखता है, और ये काफ़ी अच्छी प्लेस है अगर आपको आना है तो। और अगर आप दिसंबर के महीने में या फिर जनवरी के महीने में आते हो तो आपको यहाँ पे बर्फ़ भी देखने को मिल सकती है। तो भाइयों अब मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं बस इतनी ही शूट कर पाया मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की। गाइस मुक्तेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आपको ज़रूर एक बार आना चाहिए इस मंदिर में। तो गाइस इसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो हम चले गए नैनीताल, और थोड़ी देर हम जाके बैठे मॉल रोड पे, और हमने ये वाला शूट जो भी आप देख रहे हो ये कम्प्लीट किया। और होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना वीडियो को। और जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल का नाम है द DIY व्लॉगर, तो यार मैं ऐसे ही DIY वीडियोस भी बनाऊंगा, और साथ साथ व्लॉगिंग भी करेंगे, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको इस चैनल पे। तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और घंटे के आइकॉन को जरूर दबा लेना, नहीं तो मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको नहीं मिलेंगी। तो गाइस मिलते हैं मेरी किसी और ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शब्बा केयर, अलविदा, और ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का।